Welcome dear student, welcome to YouTube channel. Today is our third lecture of field theory. In previous lecture we discussed about the finite extension of a field. यानी field extension हमारे पास क्या थी? Finite. उससे पहले हमने lecture 1 में concept किया था subfield का. आज जो हम discuss करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि अलजबराइक एक्सटेंशन क्या होती है. उससे पहले हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है अलजबराइक एलिमेंट. तो अलजबराइक एलिमेंट की डेफिनेशन से हम अलजबराइक एक्सटेंशन डिफाइन करेंगे कि अलजबराइक एक्सटेंशन क्या होती है. सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट अलजबराइक एलिमेंट. ये नंबर थ्योरी में भी हम डिस्कस करते हैं अलजबराइक एलिमेंट क्या होते हैं. ओके तो अलजबराइक एलिमेंट क्या होती है. मान लिया हमने जो के है वो किसी फील्ड एफ की एक्सटेंशन है. ओके तो हम के एलिमेंट को अलजबराइक बोलेंगे ओवर द फील्ड एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ओवर एफ एक्स सच दैट अल्फा सेटिस्फाई दैट पॉलिनोमियल देन दैट एलिमेंट अल्फा इज कॉल्ड अलजबराइक ओवर द फील्ड एफ. तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है? अलजबराइक एलिमेंट की डेफिनेशन होती है. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अलजबराइक एलिमेंट. लेट के बी द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ देन एनी नंबर अल्फा ए एलिमेंट अल्फा बिलोंगिंग टू के इज सेड टू बी अलजबराइक एलिमेंट ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो पॉलिनोमियल बिलोंगिंग टू एफ एक्स नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ ओवर एक्स सच दैट कि जो एफ ऑफ अल्फा है वो हमारे पास क्या हो? जीरो हो. तो अल्फा को हम क्या बोल देंगे? अलजबराइक एलिमेंट है. किसके? ओवर एफ के. वो क्या है? अलजबराइक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए अलजबराइक एलिमेंट. एग्जाम्पल हम करते हैं. तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे, मान लो रूट टू है, ठीक है. तो एग्जाम्पल हम करते हैं, शो दैट अल्फा इज इक्वल टू रूट टू इज अलजबराइक एलिमेंट ओवर क्यू. यानी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है? अलजबराइक एलिमेंट है. वी हैव टू शो दैट. ओके सो फॉर दिस हमें क्या है कि एक पॉलिनोमियल हमें लेके आनी है, ठीक है. ओवर क्यू है मतलब जो इसमें फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी? क्यू होगी. यानी एफ की वैल्यू क्या है? क्यू. तो अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू क्यू एक्स सच दैट एफ ऑफ अल्फा है वो हमारे पास क्या हो? जीरो हो, ठीक है. देखो इसका मतलब क्या है. अगर किसी ने रिंग थ्योरी के लेक्चर जो हमारे 40 लेक्चर है इससे पहले हमने कंप्लीट किया, अगर किसी ने वो देखे होंगे और कंटिन्यूसली अगर वो मेरे लेक्चर देख रहा होगा तो उसको पता है कि एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बिलोंगिंग टू एफ ऑफ एक्स इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल आए जिसके कोफिशिएंट्स किस में से हो? इस फील्ड एफ में से हो. सिमिलरली अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो अल्फा इज इक्वल टू रूट टू इज अलजबराइक एलिमेंट ओवर एफ. तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इस क्यू एक्स से बिलोंग करेंगे, मतलब ऐसी एक पॉलिनोमियल जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर में से आए सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो. ये इसका मतलब होता है. अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने बता दिया है. ओके तो फॉर दैट वी हैव टू गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू रूट टू. दोनों तरफ स्केयर कर दो, यहाँ पे स्केयर कर दिया, यहाँ पे स्केयर कर दिया. ये हो जाएगा अल्फा स्केयर इज इक्वल टू टू. ये हो जाएगा अल्फा स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टू. अगर ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल किससे बिलोंग करती है? क्यू एस से बिलोंग करती है. हैंस देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टू. एंड दिस इंप्लाइज दैट
अल्फा इज इक्वल टू रूट टू इज अल्जबराइक एलिमेंट ओवर क्यू, तो ओवर क्यू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अल्जबराइक एलिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री दिया होता तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाती हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर अल्फा इज इक्वल टू रूट पी दिया होता और पी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस पी। और ये सारे एलिमेंट जो कोफिशियंट्स है वे किस में आते हैं, रैशनल नंबर में। देन एवरी एलिमेंट ऑफ रूट रूट एक्स रूट पी बोल सकते हैं, अगर पी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अल्जबराइक एलिमेंट। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो अल्फा इज इक्वल टू रूट फोर बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, टू। तो इसके लिए पॉलीनोमियल क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, एक्स माइनस टू एग्जिस्ट कर जाएगी। ये भी हमारे पास किससे बिलोंग करती है, क्यू एक्स से बिलोंग करती है। यहाँ पे डिग्री के कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो डिग्री है उसकी वन है, यहाँ पे टू या थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। डिग्री यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट वी हैव टू फाइंड ए पॉलीनोमियल सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हम लेके क्या चलते हैं कि जो डिग्री है वो मिनिमम से मिनिमम हो। अब अल्फा इस पॉलीनोमियल को भी सेटिस्फाई कर देगा और अगर मैं इसको x माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं तो उससे भी सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसी पॉलीनोमियल है, चाहे वो कितनी हो हमारे पास, अगर तुमने एक पॉलीनोमियल दिखा दी सच दैट अल्फा सेटिस्फाई दैट पॉलीनोमियल एंड विच इज बिलोंगिंग टू एफ ओवर एक्स, देन अल्फा इज अल्जेब्रिक ओवर दैट फील्ड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब हम रिजल्ट करेंगे कि जो ओवर क्यू रूट टू हम देखें क्यू रूट टू रूट थ्री, ठीक है। तो अगर हम के की वैल्यू क्या ले ले, के की वैल्यू हमने ले ली के इज इक्वल टू क्यू रूट थ्री ले ली, और जो एफ की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में ये करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ के, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू रूट थ्री इज अल्जेब्रिक ओवर क्यू, यानी हमारे पास पक्का एक ऐसी पॉलीनोमियल एग्जिस्ट करेगी जिसको यहाँ से कोई एलिमेंट उठाओगे तो यहाँ एक पॉलीनोमियल पक्का मिलेगी जिसको इसका एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू रूट थ्री इज अल्जेब्रिक ओवर क्यू, कि ओवर क्यू हमारे पास एवरी एलिमेंट क्या है, अल्जेब्रिक है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो के की वैल्यू क्या है, ये है, और एफ की वैल्यू ये है। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया कि अल्फा क्यू रूट थ्री लिखेंगे सबसे पहले, तो क्यू रूट थ्री हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ए प्लस बी रूट थ्री सच दैट ए बिलोंग टू क्यू एंड बी बिलोंग टू क्यू। तो हमने एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया, किसका, इसका। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री बिलोंगिंग टू क्यू रूट थ्री एंड सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू क्यू, ये हमने ले लिया। अब हमें एक ऐसी पॉलीनोमियल लेके आनी है, देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू क्यू ओवर एक्स सच दैट एफ ऑफ ए प्लस बी रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो यहाँ से। तो वो पॉलीनोमियल को, तो वो पॉलीनोमियल को लेने का तरीका हमारे पास क्या है, देखो ये हम लेके चले हैं, हम क्या करेंगे इस अल्फा को इस तरफ लेके आएंगे, अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू बी रूट थ्री, ये हमने कर दिया, और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो, यहाँ भी स्क्वेयर कर दिया और यहाँ भी स्क्वेयर कर दिया, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस या माइनस टू ए टू अल्फा ए इज इक्वल टू, ये जाएगा बी स्क्वेयर और थ्री, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर माइनस टू अल्फा ए प्लस एल ए स्क्वेयर और माइनस थ्री बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉलीनोमियल आ जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो पॉलीनोमियल है एफ ऑफ एक्स वो क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस थ्री बी स्क्वेयर, जो और ए और बी है वो किससे बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो टू ए है वो भी क्यू से बिलोंग करेगा, वन है वो भी, ए स्क्वेयर वो भी, यानी ये कोस्टेंटर में ये भी, और ये पॉलीनोमियल किससे बिलोंग कर जाएगी, क्यू एक्स से बिलोंग कर जाएगी। एंड सच दैट यहाँ पे अगर अल्फा की जगह आप ए प्लस, मतलब ये हमारे पास पॉलीनोमियल है जिसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो पक्का क्या होगी, जीरो होगी, यानी एफ ऑफ अल्फा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्जेब्रिक एलिमेंट वी शो दैट, बिकॉज हमने
एलिमेंट है वो रेंडमली पिक किया था, यानी हमने ए और बी की कुछ पार्टिकल वैल्यू नहीं दी, क्यू रूट थ्री का जो हमारे पास जिस फॉर्म का एलिमेंट होगा वो हमने लेके चले और हमने एक ऐसी पोलोमेल एग्जिस्ट करवा दी सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू रूट थ्री देर एग्जिस्ट ए पोलोमेल सच दैट अल्फा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एलिमेंट दिस एलिमेंट ऑफ एवरी क्यू रूट थ्री यानी के इज अलजेब्रिक ओवर एफ। ये अब एफ की जगह इसमें क्या था, क्यू था। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन किसकी, अलजेब्रिक एलिमेंट की, और ये थे इसके हमारे पास एग्जाम्पल। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सटेंशन। देखो डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सटेंशन, देखो डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सटेंशन, अलजेब्रिक एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन k is said to be algebraic extension of f if every element of k is अल्जेब्रिक ओवर एफ, ठीक है। यानी देखो इसमें जो वर्ड है क्या यूज किया गया, एवरी एलिमेंट, ठीक है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि एवरी एलिमेंट है वो हमारे पास ओवर के क्या हो, अल्जेब्रिक हो इन दिस डेफिनेशन, ओके। तो अगर एवरी एलिमेंट है, यानी जैसे हमने अभी किया था क्यू रूट टू थी, क्यू रूट टू फील्ड थी हमारे पास, क्यू रूट टू के इक्वल थी, तो हमने अभी डिस्कस किया था अल्जेब्रिक एलिमेंट में कि एवरी एलिमेंट ऑफ के यानी क्यू रूट थ्री इज अल्जेब्रिक ओवर क्यू, यानी जो क्यू रूट टू है या क्यू रूट थ्री जो भी हम लेके चलेंगे वो क्यू की क्या है, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, वो उसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जस्ट इस डेफिनेशन से पहले हमने जो लास्ट एग्जाम्पल अभी किया है, ठीक है। और भी हम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं क्वेश्चन, शो दैट सी इज अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का जो सेट होता है उसकी हमारे पास सी क्या है, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। देन वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अल्जेब्रिक ओवर आर। तो इसका हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें क्या गिवन है, सी। सी क्या होता है, ए प्लस अल्टा बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू आर एंड बी बिलोंगिंग टू आर, ये हमारे पास होता है। देन इफ वी डन देर एग्जिस्ट ए पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर ओवर एक्स सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो अल्फा बिलोंगिंग टू सी फॉर ऑल अल्फा, ठीक है। क्योंकि इसमें डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ के इज अल्जेब्रिक ओवर एफ, देन वी कॉल द एक्सटेंशन इज द अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ, ओके। तो फॉर लेट वी टेक एक रेंडम एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी बिलोंगिंग टू सी सच दैट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। नाउ फॉर दैट सिमिलरली वी कैन डू इट एज अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू आयोटा बीटा। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट अल्फा स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्केयर, बिकॉज आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, माइनस वन होती है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अल्फा स्केयर माइनस टू ए अल्फा प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास
एक ऐसी पॉलीनोमियल आ गई जिसके कोफिशिएंट्स आर में से है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है, और जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है. नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जस्ट रिप्लेस अल्फा विद एक्स इन दिस पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सच दैट जो कोफिशिएंट्स है इस पॉलीनोमियल के सारे आर से आ रही हैं. बिकॉज ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हमारे पास ए अगर एक रियल नंबर है तो माइनस टू ए भी एक रियल नंबर होगा, वन है वो भी रियल नंबर है. Now this belonging to Rx such that f of alpha यानी f of a plus iota beta या फिर f of alpha is equal to zero and this implies that every element of C is algebraic over R and this implies that C is algebraic extension of R. ठीक है, तो R की हमारे पास क्या हो जाएगी, algebraic extension हो जाएगी. अब देखो अभी हमने क्या शो किया है इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमने ये शो किया है कि जो C है वो इसकी algebraic extension हो जाएगी. मतलब this implies that यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि every element of C is algebraic over R. ठीक है, कि C का जो है हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, algebraic, यानी पाई एक्सपोनेंशियल पाई रेस टू पावर ई रेस टू पावर पाई, ठीक है, ई प्लस आयोटा पाई प्लस आयोटा, ठीक है, पाई इंटू ई अपॉन पाई पाई अपॉन ई, आर एलिमेंट्स आर अल्जबराइक ओवर आर. ठीक है, ओवर आर के हमारे पास ये क्या होंगे, अल्जबराइक एलिमेंट होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी. अब देखो यहाँ से हमने क्या किया कि जो सी है वो आर की अल्जबराइक एक्सटेंशन है. ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये भी हो जाएगा कि C है वो खुद की अल्जबराइक एक्सटेंशन भी हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये भी रिजल्ट हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है कि जो C है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अल्जबराइक एक्सटेंशन ऑफ इट्सेल्फ यानी C. ठीक है, C खुद की भी अल्जबराइक एक्सटेंशन होगी. ठीक है, यहाँ से हमारे पास सकता है, तो ये एलिमेंट है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं लाइक रूट पाई इंटू ई, इस टाइप के सारे एलिमेंट अल्जबराइक हो जाएंगे. ठीक है, अगर तुमने ये बेसिक प्रूफ कर दिया कि हमने एक रैंडम एलिमेंट लेके और उसको अल्जबराइक दिखा दिया ओवर आर, तो इस टाइप के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अल्जबराइक हो जाएंगे, एंड हैंस द प्रूफ. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. अब इससे हमारे पास C इज अल्जबराइक एक्सटेंशन ऑफ R, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि R है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, R इज अल्जबराइक एक्सटेंशन ऑफ R इटसेल्फ द सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, तो ये हमारे पास क्या होंगे, रिजल्ट्स होंगे. अब हम सिंपल रिजल्ट करते हैं कि अगर हमारे पास F कोई फील्ड है, तो यहाँ से देखो C ओवर R हमने दो एग्जांपल देखे हैं. प्रूफ आप सिंपली इसका कर सकते हो, ये मैंने दो क्वेश्चन करके बता दिया. जैसे पिछले एग्जांपल में भी हमने किया था कि जो क्यू रूट टू रूट थ्री रूट फाइव आप कुछ भी प्राइम एलिमेंट लोगे तो क्यू रूट टू या रूट थ्री इज अल्जबराइक ओवर सी, बिकॉज हमारे पास एक पॉलीनोमियल आ गई थी जिसको अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू हमें सेटिस्फाई कर जाएगा. ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं और उसका प्रूफ भी आप दे सकते हो, एक पॉलीनोमियल एग्जिस्ट करवा सकते हो कि इफ f इज ए फील्ड देन f इज अल्जबराइक एक्सटेंशन ऑफ f इटसेल्फ. ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा रिजल्ट हो सकता है. प्रूफ आप सिंपल पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल ले लोगे वहां से, बिकॉज हमारे पास f में भी वही है और k में भी वही है, यानी k इज इक्वल टू f आप ले रहे हो. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक आप अलग से रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं. ओके, कैसे करोगे, सबसे पहले रिजल्ट लिखेंगे कि इफ एफ इज ए फील्ड देन एफ इज अल्जबराइक ओवर एफ. ठीक है, कि एफ के इटसेल्फ हमारे पास क्या हो जाएगी,
अलजबराइक हो जाएगी। ठीक है, प्रूफ कोई पूछे आपसे तो प्रूफ हम क्या करेंगे कि लेट अल्फा बिलोंगिंग टू एफ देन देयर एग्जिस्ट पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा सच दैट एफ ऑफ अल्फा यानी अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू एफ ओवर एक्स एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ इज अलजबराइक एक्सटेंशन ओवर एफ इटसेल्फ। ठीक है, ये सिंपल प्रूफ हो जाएगा इसका, हैंस द प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्यू है, क्यू हमारे पास फील्ड होती है, तो क्यू इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, सी इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू रूट टू इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट टू, आर इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ आर, ये सारे हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा कि नेक्स्ट रिजल्ट होगा हमारे पास कि अगर डायमेंशंस के ओवर एफ अगर फाइनाइट है तो जो हमारे पास फाइनाइट एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगी, अल्जबराइक एक्सटेंशन। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि इफ डायमेंशंस ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट हम नंबर की बजाय फाइनाइट ही लिख देते हैं यहाँ पे, फाइनाइट, देन k इज अलजबराइक एक्सटेंशन ओवर f। ठीक है, यानी अब देखो जैसे एग्जाम्पल हमने कल भी किए थे इससे पहले फाइनाइट एक्सटेंशन में किए थे कि आप यहां से q रूट टू ओवर q इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड आउट करोगे तो 2 होगा, यानी हमने कल भी बोला था कि जो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन है, या फिर हम यहाँ से या ये क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ क्यू रूट टू ओवर क्यू। ठीक है, और इसकी हमारे पास डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 हमारे पास फाइनाइट है, दिस इंप्लाइज दैट क्यू रूट टू इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्यू रूट टू क्यू की अलजबराइक एक्सटेंशन हो जाएगी। देखो दो प्रूफ कर दिए हमने, एक तो इस रिजल्ट से भी कर दिया और एक हमने अभी शो भी किया था, क्यू रूट थ्री के लिए किया था, आप इस 2 की जगह 3 ले लो तभी भी हमारे पास जो इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो 2 रहेगी, क्योंकि एक्स स्क्र माइनस 3 पॉलीनोमियल होगी सच दैट फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू रूट 3 एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है नाउ, ओके, सो ये हमारे पास सेकेंड प्रूफ है कि अगर हमारे पास डायमेंशंस है क्यू के ओवर एफ अगर वो फाइनाइट है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, अलजबराइक एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास इसकी डायमेंशंस अगर इनफाइनाइट है तो जो फाइनाइट के लिए तो हमारे पास पक्का है कि फाइनाइट है तो अलजबराइक है, लेकिन अगर डायमेंशंस इनफाइनाइट है तो हमारे पास दोनों केस पॉसिबल है। क्या, यानी हम इसके साथ में ये ले सकते हैं बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कन्वर्स हमारे पास ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी, यानी हमारे पास दो चीज़ होंगी कि अगर डायमेंशंस ऑफ के ओवर एफ है वो अगर इनफाइनाइट है तो हमारे पास ये अलजबराइक एक्सटेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम दोनों एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और इस रिजल्ट को लिखते भी हैं इन कॉन्ट्राडिक्टिव वे में। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज कि इफ डायमेंशंस ऑफ के ओवर एफ इज इनफाइनाइट देन के इज मे नॉट बी अल्जबराइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, हम दोनों केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस कि अगर हम डायमेंशंस इनफाइनाइट है और के है हमारे पास वो अल्जबराइक एक्सटेंशन ना बन रही हो। ठीक है, इससे पहले हम एक रिजल्ट और लिख देते हैं कि जो एवरी उसको बाद में लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने ले लिया के को ले लिया आर और एफ को हमने ले लिया क्यू। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि जो आर ओवर क्यू यानी डायमेंशंस ऑफ
आर ओवर क्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में फाइंड आउट करते थे कि क्यू में हम कितने एलिमेंट ऐड करें कि आर हो जाए, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो वो हमारे पास बेसिस होगी, बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसकी डायमेंशंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये हम लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर ओवर क्यू है उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी है, इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि या हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये हमने शो करना है। अब देखो, अब ये हमारे पास k है, तो पाई बिलोंगिंग टू r या e बिलोंगिंग टू r है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी f ऑफ x बिलोंगिंग टू qx सच दैट कि f ऑफ पाई है वो जीरो हो या फिर एफ ऑफ ई है वो जीरो, बिकॉज हमारे पास ऐसी पॉलीनोमियल आएगी एक्स माइनस पाई जो हमारे पास बिलोंग नहीं करेगी किससे, क्यू एक्स से। दिस इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज नॉट अल्जबराइक ओवर क्यू। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट अल्जबराइक एक्सटेंशन ओवर क्यू, तो आर हमारे पास अल्जबराइक एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास नॉट फेवरेबल कि नॉट अल्जबराइक एक्सटेंशन। दूसरी हम क्या ले सकते हैं कि क्यू ऑफ रूट टू, यानी के को हम क्या ले लें, क्यू रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड अप टू सोन, ऐसे हम लेके चले। और जो क्यू है उसको हम क्या ले लें, यानी जो एफ है उसको हम क्या ले लें, क्यू ले लें। तो यहाँ से तुम देखोगे कि के ओवर क्यू है उसकी डिग्री एक्सटेंशन, यानी क्यू ऑफ रूट टू कोमा रूट थ्री कोमा रूट फाइव एंड अप टू सो ऑन, ऐसे हम करते चले जाएं और ओवर क्यू देखें तो उसकी हमारे पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी आएगी, हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री कोमा रूट फाइव एंड अप टू सो ऑन देयर एग्जिस्ट पॉलीनोमियल एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू क्यू एक्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी आप यहाँ से एक एलिमेंट लोगे अल्फा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पक्का ऐसी पॉलीनोमियल मिल जाएगी जिसके लिए हमारे पास इसका कोई एलिमेंट अलजेब्रिक हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू ऑफ रूट टू रूट थ्री एंड टू सो ऑन इज अल्जेब्रिक ओवर क्यू, एंड दिस इंप्लाइज दैट क्यू ऑफ रूट टू कोमा रूट थ्री एंड टू सो ऑन इज अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। तो क्यू के हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ होगा। एक और मोस्टली एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि क्यू ऑफ 2 की पावर 1 बाई टू, 4 की पावर 1 बाई फोर, 8 की पावर 1 बाई टू लेके चल सकते हैं, 1 बाई एट एंड अप टू सो ऑन ओवर क्यू। ठीक है, इसकी हमारे पास डिग्री वो इन्फाइनाइट होती है, लेकिन ये इसकी अल्जेब्रिक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे 2 लेके चलते हैं। ठीक है, 2 एंड अप टू सो नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 1 बाई 16, नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 1 बाई 32। तो ये भी हमारे पास, एक तो ये फर्स्ट फेवरेबल तो ये हो गया और दूसरा फेवरेबल ये हो गया। इसकी जो हम क्यू ऑफ 2 की पावर 1 बाई 2, 2 की पावर 1 बाई 4 एंड 2 की पावर 1 बाई 8 एंड अप टू सोन करेंगे, और अगर आप ओवर क्यू उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड आउट करोगे इन्फिनिटी आएगी। लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 बाई एन टाइप का होगा, तो जस्ट एक्स की एन माइनस टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ओफ एक्स पॉलीनोमियल आ जाएगी सच दैट ये किससे बिलोंग करेगी, क्यू एक्स से बिलोंग करेगी। ठीक है, दिस इज बिलोंग टू क्यू एक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एग्जाम्पल किए कि अगर इन्फिनिटी है, ठीक है, इनफाइनाइट है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, तो ये थी हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन का। इसके बाद हमारे पास थ्योरम आएगी। वैसे थ्योरम आपको बता दूं क्या होती है, कि जो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन है वो हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज
अलजबराइक एक्सटेंशन, ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है, इसका आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आसान सा प्रूफ है इसका कि अगर हमारे पास फील्ड फाइनाइट है, तो फील्ड फाइनाइट है तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो फाइनाइट होगा और पी रेस्ट पावर एन टाइप का होगा, तो वो ग्लोइज फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगी, तो एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलजबराइक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो उसका प्रूफ आप सिंपली कर सकते हो। तो ओके, तो ये था हमारे पास अलजबराइक एक्सटेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है एंड डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे और बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब हम हमारे लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रिंग थ्योरी के लेक्चर्स में और फील्ड थ्योरी के लेक्चर्स में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके, तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग अवर लेक्चर्स टू द नीडी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।